मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। हे समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फार्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बिल पत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज। देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नी देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश, कमलेश पलट के देखेगा। एक बार नहीं देखेगा तुमने, दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा, बोलो तो सरी। मुन्नी देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो कमलेश, बुन्नी सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो कमलेश, पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही उन्दकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। आठ दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आठ दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे तीन या चार दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव जी का एक नाम है उन्दकेश्वर। कौन से महादेव है? उन्दकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने, एक आनंद की अनुभूति कराने। आगे जो वर्णन आया है शिव महापुराण में, शिव कथा कहती है, दनु राजा के दो पुत्र थे, रंभ और करभ। दो पुत्र हैं रंभ और करभ। रंभ और करभ दोनों तप करने के लिए गए, जल में बैठकर दोनों संतान के लिए तप कर रहे थे। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप जो भी भजन करते हैं, जो भी स्मरण करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो मूल मंत्र का जाप करते हो, उसको जपने जपने के साथ में, अगर आप स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं, जपने के साथ में भगवान के प्रति उसका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। देखो एक पत्र आया, अनीता
दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं, कहीं बैठे हैं हाथ उठाइएगा अगर कहीं बैठे हो तो। अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं, मैं पीतमपुर में 16 साल से रह रही हूं, लेकिन कभी शिव के प्रति मेरे में इतनी जागरूकता नहीं है। जनवरी 2021 से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो, तो मैंने सुना और मैंने कथाओं में सुना कि ये करने से उस फल की प्राप्ति होती है। मैंने प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास किया, उसमें मेरी भी गलती है, इस पत्र में लिख रही है कि मैंने परीक्षा ली पर परीक्षा पास हो जाऊंगी ये नहीं सोचा था। गुरुजी बाबा का चमत्कार क्या है, एक बार मैंने शंकर भगवान से विनती करी कि मेरी मम्मी बीपी की गोली खाती है, क्या वो छूट सकती है। मैंने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मम्मी की बीपी की गोली छूट गई और मेरी मम्मी ठीक हो गई। बहन ने दूसरी बात लिखी है, जब ये बात पूरी हो गई तब मेरे काका ससुर को ब्लड कैंसर हो गया और शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा जब भगवान ये काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ब्लड कैंसर हो गया, काका ससुर को हर 15 दिन में खून की 2 या 3 बोतल लगती थी। गुरुदेव देव अधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं, आपने जो बेलपत्री और पानी वाला उपाय बताया था उसको करना प्रारंभ करा और वो पानी काका ससुर को पिलाना प्रारंभ करा, अब उनका कैंसर ठीक हो गया है, खून लगना भी बंद हो गया है और अब वो नीचे लिख रही हैं गुरुदेव अब वो काम पर भी जाने लगे और पूरा काम करते हैं, अब उनको कैंसर नहीं है। ये शिव कृपा, ये शंकर। कुछ बोलना चाहती हो, माइक दो बाबू। शीघ्र दो यही नहीं, रोइए मत, बोलो, इतनी हिम्मत करिए ना बोलने की, तो अच्छे से बोलो और प्रसन्न होकर बोलो, रोने से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्य पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्य बाबू, कहाँ से आई हो जी? पंडित जी मैं देवास से आई हूँ। बोलिए। मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ शिविर में आने की रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन नहीं हो पाया और मैं सोच भी नहीं पाई कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्य पंडित जी, मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्य आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बहुत तकलीफों से गुजर चुकी हूँ और कहीं जाकर आपकी कथा का मुझे किसी ने बोला कि YouTube Facebook पर शिव महापुराण कथा चल रही है, जब से शिव महापुराण से जुड़ी हूँ पंडित जी, जब से बहुत बहुत फायदा हुआ पंडित जी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस तो खुश होइए, रोना नहीं, छोड़ो बाबा पर। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या ऐसी है पंडित जी जो आगे 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 आई जाती है। मेरी बेटी है 12-13 साल की तुलसी राठौर, उसे ऐसी समस्या है, आए दिन डॉक्टर में पैसा लगाना पड़ता है पंडित जी। जब बाबा पर इतना विश्वास है ना जी, तो बाबा पर भरोसा है और बाबा यहाँ तक लेकर आए जी, जी तो इतना विश्वास कर कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद मैं 3 महीने बाद वापस भुवनेश्वर धाम आ जाऊंगी, ठीक करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, शंभु है, अब दिल से उसको पुकारिए, अब दिल से उसको कहिए वो सुने। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अगर शिव ने कृपा, जैसे बहन कह रही है कि बाबा ने साथ दिया है, तकलीफ आई तो साथ उसी ने दिया है, क्या सोचो।